Grade 8, lecture number 2. Today we will solve the questions from exercise 1.1. Yesterday, in our previous lecture, we discussed about the set, proper subset, improper subset, and power set. I hope you all have learned these definitions. Now, we will have to solve the questions from exercise. Write all the subsets of the following sets. Question number 1 have 3 parts. First part, empty set. Second, 1. And third part, A and B. Looking towards the solution. In empty set, the subset is empty set. Subsets mean the smaller sets of the sets. आपके पास एक set होता है, उस set के जितने छोटे-छोटे sets बन सकते हैं, उनको हम उसके subsets कहते हैं। और अगर किसी set के अंदर कोई भी element या member ना हो, तो वो empty होता है। तो जब भी हम कभी set बनाते हैं, तो उनके subset में first subset empty set ही होगा। तो empty set है, तो उसका empty set ही subset है, उसके अलावा उसमें कोई set नहीं है। 1 है, इसका subset आपके पास empty set है और 1 है। जब भी subset बनेंगे तो पहला subset जो होगा वो empty set होगा, क्योंकि एक set में element ना हो तो उसमें तो उसको हम empty set कहते हैं। आपके पास A और B है, तो इसके कितने subsets बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, कैसे? First one empty set, I told you, after that separate जितने जितने इसके अंदर sets बन सकते हैं। इसका सिंपल ए भी सेट हो सकता है, इसके अंदर से सिंपल बी भी हो सकता है, और ओरिजिनल वन भी हो सकते हैं। एंड नाउ गोइंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। राइट ऑल द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास सेट है, सेट ए है, इसके हमने प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। प्रॉपर सबसेट में हम ओरिजिनल को नहीं लिखेंगे, उसके अलावा सभी उसके सबसेट्स लिख देंगे। तो इसके अगर हम सबसेट देखें तो क्या होते हैं, इसके सबसेट बनते हैं ए, एम्प्टी सेट एंड ए। लेकिन हमने यहां पे ओरिजिनल जो ए है वो नहीं लिखना, जस्ट हम एम्प्टी सेट ही लिखेंगे। इसके देखें, अगर हमने प्रॉपर सबसेट ना बनाने हो, सिंपल हमने इसके सबसेट्स बताने हो 0 और 1 के, तो इसके सबसेट्स बनेंगे empty set 0 1 और ये original 0 1। लेकिन जब हम proper subsets करते हैं, तो आपने कल definition भी सीखी थी कि सारे elements होते हैं लेकिन एक नहीं होता, तो फिर उसे हम proper subsets करते हैं। तो क्या होगा, इसमें हम original 1 जो है वो नहीं लिखेंगे, empty set 0 1 और इसके बाद 0 और 1 आना था, वो हमने proper subset में नहीं लिखना होता। Now question number 3, write all the power set of the following sets. आपके पास ये questions हैं। आपके homework में third था part यहाँ से और यहाँ से second part था, ये मैंने खुद ही यहाँ पे आपको solve करवा दिया। Question number 1, minus 1 and 1. This is your question. Power set में हम solve करने से पहले हमेशा let करेंगे, खुद से हमने let करना है, और let जब भी हम let करते हैं किसी भी set को, तो वो हमेशा capital letter से होते हैं। यहां पे मैंने लेट कर दिया, लेट a इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड 1, ये मेरे पास क्वेश्चन था। अब इसका पावर सेट बनाते हुए हम पहले लिखेंगे p, p रिप्रेजेंटिंग द पावर, p ब्रैकेट a, आफ्टर दैट इसमें सभी हम सबसेट्स लिख देंगे और इन सारे सबसेट्स को इनक्लोज्ड किससे करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से। तो माइनस 1 का सबसेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, माइनस 1 होगा, 1 होगा, माइनस 1 एंड 1 होगा। सभी सबसेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करेंगे, देखें कर्ली ब्रैकेट, इधर भी कर्ली ब्रैकेट, इधर भी, और इन सब के दरमियान में हम कॉमा कॉमा लगा रहे होंगे, और इसके स्टार्ट में और एंड पे एक बड़ी कर्ली ब्रैकेट होगी। अब अगर इसको देखें, आपके पास ए बी एंड सी है, लेट ए हम ए से लेट कर लेंगे, ए बी सी। अब इसमें पी ब्रैकेट ए, आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट बिगर स्टार्टिंग, कर्ली ब्रैकेट smaller ending, first आपके पास empty set, फिर A है, फिर B है, फिर C है, one by one, after that AB, AC and BC, जितने combinations उसके अंदर से बन सकते होंगे वो बना लेंगे, और ABC original आ गया। इसमें A और B का set बन सकता है, B A नहीं बन सकता।
और ये चेकिंग का रूल क्या होता है, फर्स्ट वन आपके पास था इसमें टू एलिमेंट्स थे, तुम्हारा फार्मूला होता है टू पावर एन, जितने एलिमेंट्स आपके क्वेश्चन में होते हैं आपने उतने एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए, टू की पावर टू, टू की पावर टू दैट इज़ फोर। तो चेक करें आपके 1 2 3 4 आपके फोर ही सबसेट बने। इधर देखें 1 2 3 आपके पास थ्री एलिमेंट्स थे इसके, चेकिंग का रूल क्या है, टू की पावर एन, तो हमारे क्वेश्चन में थ्री थे तो टू की पावर थ्री मीन्स टू क्यूब, टू क्यूब क्या होता है एट होता, तो चेक करें आपके एट ही जो है वो मेंबर्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके 8 सेट्स बने। दिस इज़ योर लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।